ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. इलेक्ट्रॉनिक दुकानातून घेतलेले सामान परत करण्यासाठी आलेल्या तरुणांना थांबण्यास सांगितल्याच्या रागातून दुकानदाराला बेदम मारहाण झाल्याची घटना उल्हासनगर कॅम्प नंबर 5 परिसरात घडली आहे. राजेश सुखेजा याचं कॅम्प नंबर 5 स्वामी शांती प्रकाश आश्रम रस्त्यावर संतोष इलेक्ट्रॉनिक नावाचं दुकान आहे. 2 दिवसापूर्वी राजेश यांच्या दुकानातून 2 तरुणांनी इलेक्ट्रॉनिक साहित्य खरेदी केलं होतं. आज ते परत करण्यासाठी दुकानात आले असता दुकानात राजेश सुखेजा नव्हते. त्या ठिकाणी त्यांचा मुलगा करण हा बसलेला होता. वडील रुग्णालयात गेले आहेत, तुम्ही थोड्या वेळात या आणि साहित्य परत करा असे सांगितले. या गोष्टीचा राग घेऊन 2 तरुणांमध्ये वाद घालून थेट दगडफेक आणि काच फेकून करण याला जखमी केले. ही संपूर्ण घटना दुकानात लावलेल्या CCTV कॅमेऱ्यात कैद झाली. मेरा नाम करण सुखेजा आहे. कल दोपहर को 2 बजे के आसपास मैं अपने शॉप पे बैठा था. शिव शांति प्रकाश आश्रम के इधर है. 2 लोग बाइक पे आए. वो लोग ने बोला कि हम कल तुम्हारे से सामान लेके गए हैं, वो सामान रिटर्न करना है. मैंने बोला कि 2 मिनट रुको, पिताजी सामने डॉक्टर के पास गए हैं, वो आएंगे तो आपको जो भी है करके देंगे. तो इतना करते वो लोग गाली गलौज करना चालू हो गए मेरे साथ. तो मैंने बोला कि मेरे दुकान पर गाली गलौज मत करो. तो वो लोग ने हाथ उठाया मेरे ऊपर, मेरे को झापर मारा. तो मैंने भी अपने डिफेंस में उनके ऊपर उनको भी झापर मारा मैंने भी. फिर वो लोग ने, एक दूसरा बंदा था उसने पाइप उठा करके मेरे को मारा. फिर इतने में जो पहला वाला बंदा था वो जा करके कांच लेके आया और उसने मेरे को कांच से मारा, कांच से वार किया, पत्थरबाजी किया, पत्थर फेंक रहे थे मेरे ऊपर. मेरे को हाथ पे कांच लग गया है बहुत बुरे तरीके से, जिसमें मेरी 4 नस टूट गई है. अभी मेरा 2 बार ऑपरेशन हुआ है और मेरे को नस टूट गई, फ्रैक्चर भी हो गया है हाथ में. ये घटना कभी की है? कल दोपहर 2 बजे की है. इस घटना के वक्त आपको छुड़ाने के लिए कोई वहां पर पहुंचा था? हाँ, मेरे पिताजी पहुंचे थे मुझे छुड़ाने, बट उनके ऊपर भी उन्होंने वार किया है पाइप से. उनको पाइप मारे, कांच मार रहे थे सर पे, मैंने कांच को पकड़ा और फेंक दिया नीचे. और हमको जाते जाते धमकी दे के गए कि अगर आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन वगैरह करोगे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं. तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी बस मैं न्याय चाहता हूँ, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और ये सब चीज़ें उल्लासनगर में अनसेफ है तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाए. मेरा नाम राजेश सुखेजा है. मेरा संतोष इलेक्ट्रिकल नाम से दुकान चलती है उल्लासनगर 5 में नियर स्वामी शांति प्रकाश आश्रम. कल 2 जन आए थे दुकान पे कुछ सामान वापस देने के लिए. मेरे लड़के का तबीयत, बड़े लड़के का तबीयत ढीला था. मैं सामने डॉक्टर के पास गया था दवाई लेने के लिए. इतने में 2 लड़के आए सामान वापस देने के लिए. और मेरा छोटा लड़का जो यहाँ पे बैठता कम है, जो पढ़ाई करता है, उसको ज़बरदस्ती कर रहे थे सामान के लिए. उन्होंने बोला 2 मिनट रुकिए, मैं पापा आ रहे हैं, आपका जो भी है रिटर्न पैसे लेके जाइए. इतने में वो बोले रुमलो नहीं रुकेंगे और माँ बहन पे गालियाँ देने चालू कर दिया और मार्केट चालू कर दी और बड़े बड़े पत्थर फेंकने लग गए और कांच भी फेंक दिए. पॉइंटेड कांच मेरे लड़के को लग गया छोटे से, उसका हाथ बाद फ्रैक्चर हो गया है, पूरा नस बस डैमेज हो गई है. आपने इसके लिए पुलिस में शिकायत दर्ज? पुलिस में शिकायत दर्ज की हमने. अभी आपकी क्या मांग है? हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए. हमारी पुलिस से उम्मीद है कि हमको इंसाफ मिलेगा. पुलिस ने इस विषय पर आपसे कोई बात की है? अभी तक तो नहीं की है. आप CCTV कैमरा में आप देख सकते हो कैसे वो लड़के लोग पत्थर और कांच फेंक रहे हैं. जैसे मेरा लड़का इंजर्ड हो गया, उसको सीरियस इंजरी हो गई है. हम लोग पुलिस का सहयोग मांगते हैं, जैसे पुलिस हम लोग को सहयोग करे और ऐसा दहशत से कुछ निपटारा हो सके. आता या प्रकरणी हिल्लँड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या हुल्लडबाज तरुणांचा पोलीस शोध घेत आहे. आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.